हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं रेज सिंड्रोम। यह रेज सिंड्रोम 18 साल के कम उम्र के बच्चों में देखने को मिलता है, 18 साल के कम उम्र के बच्चों में होता है। इसका डेफिनेशन क्या है? सो इट इज एक्यूट इंसेफेलोपैथी ऑफ ब्रेन दैट इज करेक्टराइज्ड बाय सेरिब्रल एडिमा एंड फैटी चेंजेस इन लीवर। यह लीवर एंड ब्रेन दोनों से एसोसिएटेड होता है। इसमें ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है एंड लीवर में फैटी चेंजेस होता है। इट अकर व्हेन द चाइल्ड ऑफ वायरल इलनेस यूज एस्पिरिन। अगर बच्चे को वायरल इलनेस हुआ है एंड उसमें एस्पिरिन यूज किया है तब यह होता है। इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है? व्हेन द चाइल्ड ऑफ वायरल इलनेस यूज एस्पिरिन, अगर उस बच्चे को वायरल इलनेस हुआ रहा और उसको एस्पिरिन यूज हुआ है, उसने एस्पिरिन यूज किया है, तो यह एस्पिरिन क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हिपेटोसाइट सेल का। यह हिपेटोसाइट सेल क्या है? लीवर का फंक्शनल सेल है। एंड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी नॉट प्रोड्यूस इन हिपेटोसाइट सेल कॉज डिसफंक्शन। जैसे कि हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर यह डिस्ट्रॉय हो गया, एस्पिरिन माइटोकॉन्ड्रिया को ही डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है एंड हिपेटोसाइट सेल का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, यह डिसफंक्शन हो जाता है। ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ हिपेटोसाइट सेल, अमोनिया कैन नॉट कन्वर्ट इंटू यूरिया। हिपेटोसाइट सेल का डिसफंक्शन हो जाता है जिससे अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता है एंड यह अमोनिया का लेवल इंक्रीज हो जाता है एंड यह ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है एंड ब्रेन में चला जाता है। और यह अमोनिया क्या करता है? ब्रेन सेल को डिस्ट्रक्ट करता है एंड कॉज करता है सेरिब्रल एडिमा। देन स्टेजेस देखेंगे। स्टेजेस ऑफ इंसेफेलोपैथी एंड इंसेफेलोपैथी रेज सिंड्रोम को इंसेफेलोपैथी भी कहा जाता है। इसका फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? बच्चा क्वाइट एंड स्लीपी रहेगा, बच्चा शांत रहेगा एंड स्लीपी रहेगा। सेकेंड स्टेज में डी सेरिब्रेट पोस्चर, इसमें बच्चा डी सेरिब्रेट पोस्चर में देखने को मिलेगा जिसमें रिजिड एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, इसमें एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंशन में रहता है एंड रिजिड रहता है, इसमें एक्सटेंशन में रहता है, हैंड एंड लेग स्ट्रेट रहता है एंड उसके टू आर पॉइंटेड डाउनवर्ड। इसके पैर की उंगलियां क्या करते हैं? पीछे की ओर झुकी हुई होती हैं एंड इसके आर्म क्या होते, आर्म स्ट्रेट रहता है एंड इसके रिस्ट क्या होता है? ये पीछे की ओर मुड़ी हुई रहती है, फ्लेक्स्ड रहती है बैक साइड। देन थर्ड स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज में डी कॉर्टिकेट पोस्चर हो जाता है। डी कॉर्टिकेट पोस्चर में क्या होता है? रिजिड क्या हो जाता है? फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, इसमें यह फ्लेक्शन में रहता है। उसके हैंड क्या रहता है? हैंड चेस्ट पे रहता है एंड लेग स्ट्रेट रहता है एंड रिजिड रहता है, इसमें पिपली रिस्पॉन्स नहीं करता है। देन फोर्थ स्टेज में क्या होता है? फोर्थ स्टेज में कोमा में रहता है एंड उसका डीप टेंडर रिफ्लेक्स डिक्रीज हो जाता है एंड फिफ्थ स्टेज में उसकी डेथ हो जाती है। यह बहुत सीवियर होता है जिससे डेथ भी हो जाता है बच्चे का। इसमें लीवर का प्रोथंबिन टाइम इंक्रीज हो जाता है एंड इसका डायग्नोसिस करते हैं, लीवर बायोप्सी करते हैं इसका डायग्नोसिस में। एंड इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो कीप द चाइल्ड इन नॉन स्टिमुलस एरिया, इसमें बच्चे को क्वाइट एनवायरमेंट में रखेंगे। प्रोवाइड ए क्वाइट एटमोसफेयर विद डिम्ड लाइट, इसमें शांत इन्वायरमेंट के साथ साथ डिम लाइट भी कर देंगे जिससे बच्चे को डिस्टर्ब ना हो। एंड
इसमें प्रोवाइड करेंगे लैक्टुलोज जो इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, यह लैक्टुलोज इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया करता है। एंड प्रोवाइड करेंगे मैनिटोल, यह मैनिटोल सेरेब्रल एडिमा को डिक्रीज करता है। एंड क्या करेंगे, मेंटेन रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड प्रोवाइड प्रॉपर फीडिंग, इसमें रेस्पिरेटरी स्टेटस को मेंटेन करेंगे एंड प्रॉपर फीडिंग देंगे। थैंक यू।